चार धाम की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम चार धाम की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए। यमुनोत्री है भक्तों सबसे पहला पावन धाम, करने से स्नान यहाँ पर सिद्ध हो जाते काम। यमुना सूर्य की पुत्री है और यम की है बहना, उत्तरांचल की पावन भूमि का है ये गहना। साधु संत और भक्त कई यहाँ करते हैं स्नान, हो जाता है तन मन लगे ईश्वर में ध्यान। अति मन मोहक दृश्य यहाँ का ऊंचे वृक्ष खड़े, बीच में यमुना की धारा और पर्वत बड़े बड़े। किस्मत वाले होते हैं चार धाम जो आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए। दूसरा धाम यहाँ का भक्तों पावन गंगोत्री, भागीरथ के कारण गंगा धरती पे उतरी। राजसगर के होते थे कभी पुत्र 60,000, अश्वमेघ यज्ञ राजसगर ने किया जो था एक बार। श्याम वर्ण का घोड़ा था राजा ने छुड़वा, कुटिया में वो बधा हुआ पाया। क्योंकि इंद्र देवता ने तो अपनी चाल चली, उसकी चालाकी को समझ सके ना कपिल मुनि। पुत्र सगर तो घोड़ा ढूंढते ढूंढते आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए। सगर के पुत्रों ने कह दिया था चोर कपिल मुनि को, कर दिए भस्म सगर पुत्र सब सौर अग्नि को। सगर को उनकी मुक्ति का कोई रास्ता ना पाए, भोले ने कहा हो मुक्ति जो धरा पे गंगा आए। तीन पीढ़ियां खत्म हुई थी सगर की तप करके, गंगा तो धरती पर आई नहीं उतर के। चौथी पीढ़ी में तप करने भागीरथ आए, किया घोर तप फिर तो धरा पे गंगा को लाए।
इसी धाम गंगोत्री पे भागीरथ आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए। बद्रीनाथ कहा जाता है भक्तों तीसरा धाम, कहते हैं कि यहाँ विराजे खुद विष्णु भगवान, कहते हैं कि शिव गौरा करते थे यहाँ निवास, बनकर पालक विष्णु जी आए गौरा के पास। गौरा जी ने उस बालक को अपनी गोद विष्णु भगवान है भोले को हुआ एहसास। छोड़ वहाँ विष्णु जी को शिव गौरा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए, जो विष्णु जी को धाम ये पसंद बड़ा आया, जाओ आप केदारनाथ भोले को बतलाया। तब से श्री हरि विष्णु खुद यहाँ निवास करे, देते खुशियाँ भक्तों को दुखों को नाश करे। मोक्ष प्राप्ति का भक्तों ये उत्तम बड़ा उपाय, नष्ट पाप सब उनके होते चार धाम जो आए। चार धाम की यात्रा पे जो मानव आते हैं, बड़ा ही उत्तम फल दर्शन का वो तो पाते हैं। चौथे धाम की अब हम महिमा तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, लाखों ही सुन पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए। केदारनाथ को भक्तों चौथा धाम कहा जाए, बारह ज्योतिर्लिंगों में ये पहले स्थान पे आए। स्कंद पुराण में भी मिलता है भक्तों इसका बखान, कहते हैं कि यहाँ विराजे खुद शंकर भगवान। जब पांडव महाभारत का युद्ध जीत के आते हैं, वो मुक्ति को चाहते हैं। फिर कृष्णा जी सभी पांडवों से ये कहते हैं, भोलेनाथ इस पाप से मुक्ति दे ही सकते हैं। फिर सब मिलके केदारनाथ को आ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जो
कद है बढ़ाया। बैल रूप में भोले जी को घास है चरते पाया। हाथ जोड़ कर फिर तो भोले को ही मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए। कहने लगे पांडव भोले जो हमसे पाप हुआ, करो पाप से मुक्त आप ये हम पर करो दया। भोले ने होकर प्रसन्न फिर तरस है उन पे खाया, मुक्ति का भी उन्हें रास्ता भोले ने बतलाया। केदारनाथ में जो भी भक्त श्रद्धा से आते हैं, दया से मुक्ति वो पा जाते हैं। डीएस पाल ने गाई भक्तों महिमा चार धाम की, कुछ पहचान बनी भक्तों में फौजी सुरेश नाम की। महिमा चार धाम की सभी तो सुनते सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए। हम कैलाशी उस शिव शंभु की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जो बाटती अमृत होरों को खुद विष पी जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम कैलाशी उस शिव शंभु की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जो बाटती अमृत होरों को खुद विष पी जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। स्वर्ग का राज वो दानव हुए बड़े प्रसन्न, सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में फिर तो आए। बोले देवता कैसे वापस राज लौट के आए, ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु शरण में लेकर जाते हैं। विष्णु जी फिर सब देवों को ये बतलाते हैं, करके सागर मंथन हम अमृत को पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जो बाट के अमृत औरों को खुद विष पी जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। विष्णु
शायद बातें लेंगे मान। ब्रह्मा जी की सुनकर बातें विष्णु ने ठाना है, देवों को ये राज स्वर्ग का फिर से दिलाना है। बलि के पास में फिर तो खुद विष्णु जी आए हैं, सागर मंथन के लिए सारे दैत्य मनाए हैं। अमृत की चाह में सारे दैत्य आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो बाट के अमृत होरों को खुद विष पी जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी, हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। काल कोट विष निकला में पहले, देख के उसकी अग्नि को तो तीनों लोक दहले। ऐसे भयंकर विष को कोई भी ना अपनाए, मुश्किल की इस घड़ी में सबको शिव जी याद आए। नारद जी भोले से बोले, आप ही हमको बचाओ, ये सृष्टि बच जाए विष से रास्ता कोई बताओ। सुन नारद की बात, ऐसा रचा है खेल निराला, सृष्टि के उपकार की खातिर सारा विष पी डाला। लेकिन इन सारे विष को अपने कंठ बसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बाट के अमृत होरों को खुद विष पी जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी, हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। सबकी भलाई थी उसमें जो पिया था विष उन्होंने, लेकिन विष पीते ही भोले लगे थे व्याकुल होने। विष की अग्नि रही निरंतर उनका कंठ जलाए, फिर तो एक अज्ञात स्थान पे भोले जी है आए। एक वट वृक्ष के नीचे बैठ के करने लगे तपस्या, सोचे सभी देवता भोले खेल तुम्हारा कैसा। बोले ब्रह्मा भोलेनाथ को चैन तभी आएगा, गंगा का पावन जल शीश इनके डाला जाएगा। सभी देवता मिलकर गंगा जल ले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जो बाट के अमृत होरों को खुद विष पी जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी, हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। शीतल गंगा जल जो चढ़ा कुछ आया, वो पावन स्थान है फिर तो नीलकंठ कहलाया। शिव भोले को तब से ही तो जल चढ़ाया जाता, जो कोई यह जल चढ़ाए इनकी कृपा पाता। भले बुरे का ध्यान नहीं है, ऐसे है भोलेनाथ, अपने भक्तों पे करते हैं कृपा की बरसात। सभी देवों में न्यारे है ये भोले भंडारी, बाएं
इनकी महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जो बांटते अमृत औरों को खुद विष पी जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। आते हैं पावन कथा सुनाते हैं, जो बाट के अमृत औरों को खुद विष पी जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। काटो इतनी अर्ज हमारी, कर ना सकते हैं हम सब तो महिमा तेरी बखान। सुबह शाम लेकिन करते हैं भोले तेरा ही ध्यान। सब भक्तों ने महिमा तेरी श्रद्धा से गाई, हंस राज रहलान को ये पसंद बड़ी आई। सुरेश भी कृपा भोले इतने चाहता है, तुम ही रहते ख्यालों में जब कलम चलाता है। मन मंदिर में मेरे भोलेनाथ समाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जो बांटते अमृत औरों को खुद विष पी जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
जग पालन।